हेलो जय हिंद नमस्कार साथियों आई होप सभी सीडीएस एस्पिरेंट्स की तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय जरूरी होती है एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी से पहले एक चीज और जरूरी होती है और वो होती है अपने पेपर की पूरी नॉलेज अगर आपको अपने पेपर के बारे में सब कुछ पता है उसका पूरा नॉलेज है आपको ट्रेंड एनालिसिस के बारे में पता है आपको पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया है मार्किंग स्कीम के बारे में आइडिया है तो ओ, आप एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप तैयार कर सकते हैं एंड दैट रोड मैप विल डेफिनेटली टेक यू टू सक्सेस इसीलिए कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना जरूरी है कि एफर्ट्स करो लेकिन अगर सही डायरेक्शन

तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को कंडक्ट कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को कंडक्ट कर, एडमिशन लेती है स्टूडेंट्स की पांच ट्रेनिंग एकेडमीज में कौन कौन सी है वो ट्रेनिंग एकेडमीज इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में लोकेटेड है इंडियन नवल एकेडमी जो कि एजीमाला केरला में लोकेटेड है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में लोकेटेड है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर मेन एंड वीमेन ये लोकेटेड है चेन्नई में मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करके आप मिलिट्री में जा सकते हैं नवल एकेडमी को ज्वाइन करके आप नेवी में जा सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करके आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ओटीए है शॉर्ट सर्विस कमीशन कमीशन के के लिए लिए जहां पर एंड जो कि शॉर्ट सर्विस जाना चाहते हैं वो ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं एंड गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ओटीए का ऑप्शन अवेलेबल है तो सीरियस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इन पांचों में से किसी भी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप जिस भी डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं बात करूं अगर मैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो सर हमारा जो एग्जाम होता है वो अलग अलग होता है अगर मैं बात करूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो वहां पर हमारे तीन पेपर होते हैं कौन कौन से सर इंग्लिश का एग्जाम जनरल नॉलेज का एग्जाम और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को कि सर मिलिट्री एकेडमी नवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए हमें तीन पेपर देने पड़ते हैं जहां पर मैथ्स एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो कंपलसरी हो जाता है इंग्लिश पेपर जनरल नॉलेज का पेपर एंड एलिमेंट्री मैथ्स का पेपर हमें देना होता है ये सारे पेपर का ड्यूरेशन टू आवर्स होता है इनके मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड होते हैं दैट मींस अ टोटल ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स वी आर गेटिंग हेयर जिन लोगों को जिन भी कैंडिडेट्स को करना है वो चाहे मैन हो या वुमेन हो मेल या फीमेल हो उन्हें केवल दो एग्जाम देने होते हैं दैट इज इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज को ऑप्ट करने वाले कैंडिडेट्स को मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना होता है और गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए जा सकती हैं दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन यहां पर आपके केवल दो एग्जाम होते हैं दैट इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और ये पेपर होता है कंप्लीट टू का अगेन टू टू आवर्स का पेपर ड्यूरेशन होता है तो इस चीज का ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्लीज अपनी चॉइसेस को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि अगर आपको मिलिट्री एकेडमी, नवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में जाना है तो आपको तीन एग्जाम देने होंगे और अगर आपको ओटीए में जाना है तो आपको केवल दो एग्जाम देने होंगे एंड इसीलिए आपकी प्रेफरेंस चॉइसेस भी प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए अब हम बात करें कि रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है तो सर होता है SSB. SSB या पर्सनल इंटरव्यू की हम बात करें ग्रुप डिस्कशंस जहां पर होते हैं आपका पर्सनल इंटरेक्शन होता है ये एक चार पांच दिन लंबा प्रोसेस होता है तो इसके बाद होता है एस एस बी और दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपका फाइनल कट ऑफ बनता है अब सर एस एस बी कितने मार्क्स का होगा तो सी डी एस ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि सर जो भी स्टूडेंट्स IMA, INA और AAP के लिए जा रहे हैं उनका SSB 300 मार्क्स का ही होगा दैट मींस आप जितने मार्क्स का रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं उतने ही मार्क्स का आपका बी भी होगा तो इन तीन एकेडमीज में जाने वाले स्टूडेंट्स का एस 300 मार्क्स का होगा ओटीए में जाने वाले स्टूडेंट्स का एस होगा टू मार्क्स का राइट आई होप ये बात भी एकदम क्लियर है कि आप जितने मार्क्स का रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं आपके एस के मार्क्स भी उतने ही होंगे सो so,

इसलिए पर क्वेश्चन आपका वन मार्क नहीं होता है आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं क्लियर आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 नहीं होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 120 होते हैं मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं और हर पेपर का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है बात करें अगर सी एग्जाम के सिलेबस के बारे में तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने बताया है कि सर जो सी का सिलेबस होता है जो स्टैंडर्ड होता है सिलेबस का वो बेसिकली मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है मैथमेटिक्स का तो आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का होता है ठीक है आपका मैथमेटिक्स केवल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का ही होता है टेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का ही आपका मैथमेटिक्स होता है बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं राइट right? तो आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा वो टेन प्लस टू लेवल का आएगा लेकिन आपके बाकी के जो भी सब्जेक्ट हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे क्लियर ओके सर बात करते हैं अब हर एक सब्जेक्ट के जनरल सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश का पेपर बेसिकली सी ने इस चीज को क्लियर किया हुआ है कि इंग्लिश का पेपर टेस्ट करने के लिए है कि स्टूडेंट को बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं है बेसिकली यहाँ पर वो कोई बहुत एडवांस्ड इंग्लिश नहीं पूछ रहे हैं बट यहाँ पर उनका पूरा फोकस है बेसिक इंग्लिश पर कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है या नहीं आती है आप एक बेसिक इंग्लिश में कॉन्वर्स कर सकते हैं कि नहीं और जनरल ग्रामर uh, का आपको आइडिया है कि नहीं है नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज का पार्ट तो जनरल नॉलेज में भी उन्होंने बताया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वहां पर वो सवाल पूछेंगे जैसे यहां पर वो फोकस करेंगे करंट इवेंट्स के ऊपर लाइक एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आ रहे हैं साइंटिफिक आस्पेक्ट्स क्या चल रहे हैं उसके अलावा आप देखेंगे कि हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे जोग्राफी के सवाल पूछे जाएंगे और इनके जो यू नो स्टैंडर्ड रहेगा वो अगेन ग्रेजुएट लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा राइट सर मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहां पर एक जनरिक मैथमेटिक्स और एडवांस है उसमें हमसे पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक्स जैसे आता है है पूछा जाता ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पूछी जाती है पूछ और स्टेट के सवाल पूछे जाते हैं राइट तो यहां पर आपको ये चीज एकदम अच्छे से ख्याल रखनी है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है बाकी जो आपके सिलेबस है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे अब सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलते हुए हम देख लेते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में सीडीएस एग्जाम के ट्रेंड एनालिसिस क्या क्या रहे हैं और किन एस्पेक्ट से मेजर सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश के बारे में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर सवाल पूछे जाते हैं जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक स्पॉटिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रेंशन एंटोनियम्सियम्स पार्ट ऑफ स्पीच कम्पलीशन ऑफ सेंटेंस क्लोज कॉम्पोजिशन प्रिपोजिशन एंड इटरमाइनर ईडियम्स एंड फ्रेजेस और इन सभी में से टेन टेन क्वेश्चन मतलब एक आप यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं कि इन सभी सवालों में से टेन टेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली ये बेसिक जनरल ग्रामर के सवाल होते हैं जो कि सी डी एस यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा होता है बात करूं अगर मैं एलिमेंट्री मैथ्स के बारे में तो दिस इज द रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस जहां से मेजरली सवाल पूछे गए हैं अब यहां पर अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं एरिया एंड पैरामीटर एवरेज यहां से तीन सवाल पूछे गए हैं बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन दो सवाल सर्कल से छह सवाल पूछे गए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से दो सवाल डिविजिबिलिटी से एक सवाल ज्योमेट्री से चार सवाल एच सी से चार सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से सात सवाल और लीनियर इक्वेशन से एक सवाल उसके अलावा और टॉपिक्स की मैं बात करूं तो लाइंस एंड एंगल से दो सवाल पॉलिनामियल एंड इन इक्वेशन से एक सवाल पावर्स एंड रूट से तीन सवाल प्रॉब्लम ऑन एज तीन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से समवेयर एक सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम सिक्स क्वेश्चंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिक्स क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से फोर क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं स्टेटिस्टिक्स uh, की बात करें तो तीन सवाल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से केवल दो सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से दो सवाल ट्राइंगल से अगेन सिक्स क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से इलेवन क्वेश्चन राइट right. तो अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इस ट्रेंड एनालिसिस या इस पेपर एनालिसिस को देखकर कि सर मेजरली सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं अब अगर आप देखें तो मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि सपोज किसी स्टूडेंट का मैथ्स अगर नहीं है या मैथ्स उसका बहुत स्ट्रॉग नहीं है तो वो केवल उन पार्ट पे फोकस कर सकता है जो कि सिंपल मैथ्स से आ रहे हैं और उन पार्ट को यू नो फोकस करके वो अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स में हर एक टॉपिक को प्रॉपर ध्यान दें जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उन टॉपिक्स को स्पेशल अटेंशन दें स्पेशल टाइम दें उनकी स्पेशल प्रैक्टिस करें अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जहां से सवाल आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी एंड करंट डिफेंस अफेयर्स अगर मैं बात करूं क्वेश्चन ट्रेंड्स की तो फिजिक्स में आपको जनरली नाइन टू ट्वेल्व क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं केमिस्ट्री में एट टू इलेवन के क्वेश्चन के बीच में सवाल आते हैं बायो से भी नाइन्थ से ट्वेल्व के बीच में क्वेश्चन आपको देखते हैं ज्योग्राफी से आपको 20 टू 25 क्वेश्चन जनरली हिस्ट्री से भी सेम 20 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं Quality से 14 से 20 क्वेश्चंस के आसपास हमसे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिवली कम सवाल आते हैं 8 से 10 सवाल बट इट्स ईजियर तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं और करंट इवेंट्स और जनरल अवेयरनेस से कुछ 13 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चीज का ख्याल यहां पे आपको बहुत अच्छे से रखना है कि चूंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है तो हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस माइनस में ही आते हैं मे बी कभी आप देखेंगे कि हिस्ट्री से केवल 18 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी से 24 फोर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये चेंज होता है बट ये एक रेंज अगर आप फोकस करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन आस्पेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है किन एरियाज पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं और किन एरियाज को छोड़कर जा सकते हैं राइट ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस है प्रीवियस इयर्स में कि कितने सवाल पूछे गए हैं किस सब्जेक्ट से इंडियन पॉलिटी से ये कुछ सवाल हैं आप देखें इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी का ये ट्रेंड एनालिसिस है कि कितने सवाल पूछे गए हैं अब यहां पर एक चीज का ख्याल आपको और बहुत अच्छे से रखना है और वो चीज क्या है कि सर हर एक सेक्शन का अपना सेक्शनल कट ऑफ भी होता है दैट मींस हर एक पेपर को आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है सीडीएस बोलता है कि हर एक पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट मार्क्स चाहिए एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट मार्क्स तो हंड्रेड का ट्वेंटी मार्क्स दैट मीनस की आपको मैथ्स का पेपर इंग्लिश का पेपर और जीके का पेपर जो है वो इंडिविजुअली ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के साथ एटलीस्ट क्वालिफा करना है तभी आपका मेरिट बनेगा तभी आपकी कॉपी आगे जाएगी और आप मेरिट के लिए नॉमिनेट होंगे सो एटलीस्ट मिनिमम ट्वेंटी परसेंट मार्क्स तो आपको चाहिए हर पेपर के लिए इंडिविजुअली एंड दैट इज नोन एज सेक्शनल कट ऑफ तो आई होप एक बेसिक आइडिया आप सभी को अभी तक लग रहा होगा कि आखिर किन किन एरिया पे हमें ज्यादा

सी का मेन पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को क्या बेसिक ग्रामर का आइडिया है इंग्लिश रखने का रीजन भी यही होता है बिकॉज ये पैन इंडिया सर्विसेज होती हैं तो आपको बहुत डाइवर्स ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना होता है उनको कमांड करना होता है उनको डायरेक्शंस देने होते हैं एंड चूंकि आप इतने डाइवर्स लोगों के साथ मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि लिंग्विस्टिकली वो आपके साथ कंफर्टेबल हों किसी एक सिंगल लैंग्वेज में बट इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्टेड है एंड लोगों को ये आती है कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करती है तो so, डिफेंस सर्विस का मेनली यही मानना होता है कि आपको बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट आए कि आप किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति को भी कोई भी एक पर्टिकुलर आइडिया या कमांड कन्वे कर सकें तो यहां पर अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज कॉम्पोजिशन स्पेलिंग मिस्टेक्स स्पॉटिंग एरर्स वर्ड मीनिंग यूसेज ऑफ पियर्ड वर्ड्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स ईडियम एंड फ्रेजेस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन बेसिक ग्रामर आप इसकी तैयारी करने के लिए किसी भी एक बेसिक ग्रामर की बुक को ले सकते हैं एंड इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं बात करूं एरेटिक के बारे में तो सर बेसिक एरेथेमेटिक में हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस रेशो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज के टॉपिक्स आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो हमारे पास नंबर सिस्टम मैं ट्रिग्नोमेट्री जोमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्जीबरा फंक्शन एंड स्टेटिस्टिक्स आता है अब चूंकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर बन चुकी है कि सर कौन कौन से एरिया से सवाल पूछे जा रहे हैं सीडीएस में किन पे ओवर द सवाल पूछे गए हैं तो आप एक आइडिया लेकर चल सकते हैं कि आखिर मुझे तैयारी कैसे करनी है अब अगर मैं शॉर्ट में एक एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो जनरली कट ऑफ एस और रिटर्न एग्जाम का मिलजुल कर आता है तो हर एक एकेडमी का अपना अलग कट ऑफ आता है बट मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तो एवरेज फॉल करता है 280 से लेके 320 मार्क्स के बीच में तीनों एकेडमी के लिए 280 से 320 मार्क्स का जो स्कोर होता है वो एक एवरेज और बहुत अच्छा मार्क्स होते हैं और इनको अगर आप आ, कर लेते हैं इस लेवल की तैयारी तो आप इनमें से किसी भी एकेडमी में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अब चूंकि आपको पता है कि मुझे कितने अपने की की एफर्ट्स डिवाइड कर, कर सकते हैं आप उन सब्जेक्ट्स पे उस हिसाब से रिक्वायर्ड अटेंशन दे सकते हैं और अपने एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से एज कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप

तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को जारी रखिए बाकी आपको अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो डिफेंस वाला की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए आपकी गाइडेंस करने के लिए जय हिंद जय भारत